नाउ चिल्ड्रन, नेक्स्ट आपका आता है कि कौन के लेंसेज से जो इमेज फॉर्मेशंस हो रही है, ठीक है, उसके किस तरह से इमेज फॉर्मेशंस होगी, ठीक है, उसके रूल स्टडी करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर की हमने 6 इमेजेस, कॉन्वेक्स लेंस की हमने 6 इमेजेस स्टडी कर लिया था, ठीक है। तो इसके लिए रूल्स से देखिए, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस। वो रे जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हमें फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई देती है, और आपका जो फोकस पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम साइड। सेम साइड मतलब जिस साइड पे आपकी रेज आ रही है उसी साइड में अगर जो फोकस है वहां से डाइवर्ज होती हुई हमें दिखाई देगी। मतलब कि अगर आप इस डाइवर्जिंग रे को अगर बैक साइड प्रोड्यूस करोगे तो ये फोकस पे मीट होगी। ओके, तो फर्स्ट रूल ले रहा। सेकेंड क्या था, अ रे ऑफ लाइट अपेयर टू मीट ऑफ फोकस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे, ठीक है, अपेयर टू मीट द फोकस, ऐसी रे आ रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे है जो एग्जैक्ट फोकस पे आ रही है, बट ऑब्वियसली जो मिरर है इसे डाइवर्ज करेगा, तो जो रे है रिफ्रैक्टेड रे तो पैरेलल हो जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और अगर हम इंसिडेंट रे को अगर आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये फोकस पे मीट होगी, और फोकस कौन सा होगा, अदर साइड में जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो वापस मैं बता देती हूँ, अगर आप रे को, रे ऑफ अपेयर टू मीट ऑफ फोकस, अपेयर टू यानी ये जो इंसिडेंट रे आ रही है, ये रे जो स्ट्राइक होगी, रिफ्रैक्शन जो क्रिएट करेगी, ऐसे लगेगा कि ये फोकस पे जा रही है, बट ये फोकस पे नहीं जाती है क्योंकि ये जो मिरर है, ये लेंस जो है वो डाइवर्ट करता है इसको पाथ से। तो डाइवर्शन कैसे होगा इसका, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये टू रूल्स थे। थर्ड रूल इसका सेम है कि इफ अ रे दैट इज क्रॉस टू दिस ऑप्टिकल सेंटर विदाउट एनी डाइवर्शन फॉलो द सेम पाथ, विदाउट एनी डाइवर्शन, कुछ भी डाइवर्शन नहीं होगा, सेम पाथ को फॉलो करती है। ओके चिल्ड्रंस।